टी न्यूज की टॉप 20 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। साइफर मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ आज से चलेगा ट्रायल। हमास का आरोप, इजराइल और अमेरिका के कारण फेल हुआ सीज फायर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर, सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे। कैश थार क्वेरी मामले में महुआ मोहित्रा के लिए एथिक्स कमेटी 4 दिसंबर को पेश करेगी रिपोर्ट। चुनावी नतीजों से पहले आज तेलंगाना जाएंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। प्रयागराज में खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत जमानत की याचिका हुई मंजूर। सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल की भीषण बमबारी, गाजा में 100 से अधिक लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर यातायात अभी भी बंद। राजस्थान के चुरू में सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 बच्चों सहित 4 की मौत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गन्ने के MSP में 11 रुपए के बढ़ोतरी की घोषणा। गाजियाबाद में स्कूटी सीख रही युवती को ऑटो में खींचकर सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.4 रही रिक्टर स्केल पर तीव्रता। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार, आज निरीक्षण करने पहुंचेंगे सीएम योगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ऑनलाइन बैटिंग एप्स पर बैन की मांग की। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले चंद जिले VIP थे, अब पूरा प्रदेश VIP है। हाथरस रोड एक्सीडेंट में कार की चपेट में आई बाइक, दावत खाने जा रहे पिता पुत्र और भांजे की मौत। आगरा में चोरों ने बंद दुकान और मकानों को बनाया निशाना, CCTV में कैद हुई वारदात। आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस से कार की भिड़ंत, दर्दनाक हादसे में बाप बेटी की मौत। टॉप 20 खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टी न्यूज लाइव। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।